नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एमपी गर्मी से हलकान है। दतिया से लेकर भोपाल और ग्वालियर से लेकर इंदौर, बैतूल तक हर जगह गर्मी का सितम है। प्रदेश में हीट वेव से लू की स्थिति है। पारा बढ़ने से डिहाइड्रेशन से लेकर कई बीमारियों से लोगों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन और हीट रैशेस जैसे कई लक्षण नजर आने लगे हैं। ऐसे में इससे कैसे बचा जाए, ये बड़ा सवाल है। आज इस पर ही हम डॉक्टरों की टीम से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। तो एमपी में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हीट वेव का अलर्ट प्रदेश में जारी किया गया है और दूसरे दिन भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने कहा कि पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है। दतिया में तो सबसे ज्यादा 45 डिग्री से भी ज्यादा तापमान रहा। मुरैना में 44 के पार, ग्वालियर में पारा 44.9, भिंड मुरैना श्योपुर में 43 से 45 डिग्री तापमान रहा है। राजस्थान से दरअसल जो गर्म हवाएं हैं वो आ रही हैं प्रदेश में, जो कि गर्मी बढ़ा रही हैं। तीन दिन अंचल में लू चलेगी और 46 तक पारा रहेगा। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा हाइड्रेट करके रखिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाता है और कई समस्याएं होने लगती हैं। आप गर्मी से परेशान होने लगते हैं। कई बार आप बाहर निकलते हैं तो आप भूल जाते हैं छतरी लेकर जाना या फिर अपने आप को कवर करके जाना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। जब आप बाहर जाते हैं तो हल्का सूती का कपड़ा ज़रूर उससे अपने आप को ढक लीजिए या आप छतरी का इस्तेमाल कीजिए। ऐसी कई सारी सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी चाहिए। ये तो हो गई वो सावधानियाँ जो आप बरत सकते हैं, लेकिन एक और सावधानी आपके डाइट से जुड़ी है कि आपको डाइट कैसी लेनी है और आपको किन चीजों का सेवन करना है जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मौसम विभाग ने दूसरे दिन भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। और मौसम विभाग का कहना है कि भोपाल, ग्वालियर, दतिया और नौगांव, खजुराहो, ये तमाम ऐसे शहर जहां पर पारा 40 से ज्यादा, कई जगहों पर 44 से ज्यादा, कई जगहों पर 46 डिग्री तक तापमान रह सकता है। तो बचकर रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अभी जून तक तो फिलहाल कोई भी राहत की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि आने वाले एक हफ्ते यानी कि आने वाले कुछ दिन और हीटवेव का आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि जून 10 से 15 के बाद मौसम जो है थोड़ा सुहाना हो सकता है। उसके पहले आपको क्या क्या हीटवेव के वजह से झेलना पड़ सकता है, आपको किस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ सकती है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि जो गर्म हवाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, कई बार बॉडी में कई तरह के रैशेज और तमाम ऐसी चीज़ें पसीने की वजह से आप देखते हैं। इसके अलावा ज़्यादा प्यास आपको लगती है, बावजूद इसके आप पानी नहीं पीते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं। मुंह सूखना, सिर दर्द, चक्कर, गर्मी में अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है और ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो रहा है, तो इससे आप समझ जाइए कि कहीं आपकी बॉडी डिहाइड्रेट तो नहीं हो गई है। ऐसे में आपको रसीले फलों का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पानी पीजिए, पानी के साथ आप ग्लूकोज ले सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें जिनका सेवन आप करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गर्मी के मौसम में खुद को बचाना। गर्मी की वजह से, हीटवेव की वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और ये फिर शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म तक के लिए भी आपकी तबीयत खराब ही रह जाती है। त्वचा का भी बेहद खास ख्याल रखना होगा आपको। अगर आप अपने बॉडी को बचा रहे हैं गर्मी से, अगर आप अपने आप को ढक कर बाहर जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा का भी ख्याल रखें। और ऐसे में कई बार हीट एग्जॉशन के केसेस भी आने लगते हैं, जिसमें कि आपको चक्कर और बेहोशी जैसी चीज़ें होने लगती हैं, सीने में दर्द और फिर गर्दन, कोहनी, तमाम जगहों पर छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। ये तमाम ऐसे सिम्टम्स जो हैं
वो हीट एग्जॉशन के हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के भी सिम्टम्स हमने आपको बताए कि शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो किस तरह की बीमारियां या किस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं। तो गर्मी से अगर बचना है तो सावधानी बरतना है, और अभी पारा क्योंकि 46 तक जा सकता है, कई जगहों पर तो 46 पार भी पारा हो सकता है, तो बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स की राय लें, डॉक्टर्स की सलाह लें कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ गया है जो कि काफी एक्सपीरियंस, और इन डॉक्टर्स के पैनल को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं उनका परिचय भी आपसे करा देती हूँ। मोहसिन वली जी हमारे साथ है, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुनील सिंघल हमारे साथ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। मनन मेहता हमारे साथ है, डर्मेटोलॉजिस्ट है। समीर भाटी जी हमारे साथ है, हेल्थ एक्सपर्ट डाइटिशियन, जो कि थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। फिलहाल तीन डॉक्टर्स आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और थोड़ी ही देर में एक और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि और भी जानकारियां साझा करेंगे। सबसे पहले सर मोहसिन जी आपसे ही सवाल रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और अभी पारा मध्य प्रदेश में अगर देखें तो 46 तक भी जा सकता है, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, क्या कहेंगे, कैसे सावधानी बरती जाए? जी ठीक है, मैन मेड डिजास्टर है ये, हमने अपने पाँव में पूरी कुल्हाड़ी मारी है, अब भुगतना पड़ेगा शरीर को। देखिए ये जो हमारी बॉडी है ना, इसका सब लोग जानते हैं नॉर्मल टेम्परेचर 37.4 37.6 होता है। बच्चों में ये टेम्परेचर बहुत नाजुक होते हैं, बच्चे बहुत जल्दी वेरी करता है, ओल्ड एज में, डायबिटीज के पेशेंट्स में, थायराइड के पेशेंट्स में, और हमारे सिस्टम में पसीना आने का होता है, विधि होती है, जो पसीना आने से वाष्पन होता है, इवेपोरेशन होता है, और उससे ठंडा करता है बदन अपने आप को, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। कभी कभी ये सिस्टम जो है पसीना आने का वो एग्जॉस्ट हो जाता है और अंदर की हीट अंदर रह जाती है, उस समय खास तौर से हीट स्ट्रोक होता है। इसके अलावा अगर जैसे कि आपके अभी उसमें कैप्सूल में बताया गया कि डिहाइड्रेशन हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें गर्मी सर्दी का एहसास ना हो, नर्व्स की बीमारी जिसको न्यूरोपैथी कहते हैं, जो कॉमनली डायबिटीज में होती है, तो उसकी वजह से भी एक्सपोजर का एहसास नहीं होता है। और तीसरा जो इसमें सबसे ज्यादा जो हम बेहतियाती करते हैं कि एयर कंडीशन कार में बैठ के जा रहे हैं, एक घंटा सफर करके फिर सडनली हम धूप में उतर जाते हैं, खड़े होकर किसी से बात करने लगते हैं, और उसमें एक्सपोजर होता है, तो बॉडी का जो एक्लेमेटाइजेशन है, अनुकूलता है, वो प्रभावित हो जाती है और शरीर का कोर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और उसके बाद अगर पसीना आने का मैकेनिज्म फेल हो जाए तो इसका एक विशियस साइकिल बन जाता है, और उससे शरीर का तापमान बढ़ता जाता है, हत्ता के 104 105 तक भी पहुंच जाता है, तो इसकी वजह से हम उसको हीट हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, और उसमें शरीर की जो प्रोटीन्स होती हैं वो डीनेचर हो जाती हैं, जैसे अंडा लोग आजकल दिखाते हैं फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया पे, गाड़ी की छत पे अंडा उबाल लें, तो जो बॉडी के मैकेनिज्म है उसमें प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन होता है, कंफ्यूजन होता है, और इसके बाद थकान होती है जैसा कि अभी बताया, उसके बाद बेहोशी तक आ जाती है, उसको हीट कोमा कहते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हीट एग्जॉशन होता है, और उसको बहुत फैटल होता है वो, अगर उसको अटेंड न किया जाए, सडनली बॉडी का टेम्परेचर डाउन न किया जाए, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जो बेहोश हो जाता है मरीज, वो हीट की वजह से ऐसा हो सकता है। थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट, लंग पेशेंट, सीओपीडी पेशेंट्स, उनको ये चीजें ज्यादा हो सकती हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। मोहसिन जी आप सही कह रहे हैं कि देखिए स्पेशली आपको अगर पता है कि आप पहले से ही किसी ना किसी चीज से जूझ रहे हैं या किसी बीमारी से, या आपके शरीर का कोई अंग जो कमजोर है, तो उनको और भी ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर सुनील सिंघल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो अमूमन स्कूल के लिए बाहर निकल रहे हैं और फिर खेलने के लिए भी बाहर निकलते हैं कई बच्चे, और दोपहर में भी खासतौर पर बच्चे हम देखते हैं कि बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए, शाम को ट्यूशंस रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये गर्मी जिसमें कि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएँ चल रही हैं, 46 तक पारा जाने वाला है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है? देखिए एक तो धूप के टाइम में घर से बाहर ना निकले हैं, अवॉइड करें, और खास तौर से बच्चों के लिए तो अवॉइड करें कि घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर 10 बजे से पहले या शाम को 6 बजे से बाहर ही घर से बाहर बच्चे निकलें, और अगर घर से बाहर निकलना पड़ता तो साथ में एक पानी की बोतल या नारियल पानी की बोतल या ओआरएस की बोतल साथ में लें,
और साथ में थोड़ा 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 ORS या पानी, या नारियल पानी या नींबू पानी साथ में सिप सिप करके पीते रहें। और जितना गर्मी के मौसम में आप पानी पिए उतना आपका हाइड्रेशन ठीक रहेगा। और कपड़े, एक सूती कपड़े या कॉटन के कपड़े पहने, बहुत टाइट कपड़े ना पहने और ऐसे काले कपड़े ना पहने। और मेनली बच्चों को अवॉइड करें कि वो इस टाइम आउटडोर एक्टिविटी दिन में ना करें। बहुत ज़रूरी है कि अभी आउटडोर एक्टिविटीज़ को बच्चे अवॉइड करें, क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पारा जब 40 के पार है, और एक्सट्रीम, मैनन जी मेरा ये मानना है कि एक्सट्रीम लेवल पर ही हो जाता है पारा, जब 40 के पार पहुंच जाता है, धीरे धीरे 42 और 43, अब तो 46 तक जाने वाला है। तो ऐसे में स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, रैशेज और रेडनेस, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, स्किन भी एक बॉडी का पार्ट है। इनफैक्ट स्किन सबसे बड़ा पार्ट है बॉडी का। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। स्किन के बाद बाकी चीजें आती हैं। तो देखिए, जैसे डॉक्टर मोहसिन वली ने बोला है कि हार्ट सबसे पहले आपका इन्वॉल्व होता है इसमें, कि आपकी जैसे बाहर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आपका हार्ट क्या करता है, हार्ट ज्यादा पंप करने लगता है ब्लड। उससे फिर क्या होता है, वैसो डायलिटेशन होती है, यानी कि आपके जो स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारा खुलने लग जाती है। उससे आपका परस्पिरेशन होता है, यानी कि स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होती है, उसके उसके साथ आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं स्वेटिंग के साथ में। तो सबसे पहले जो डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरी चीज, हाइपोवोलेमिया यानी कि लो बीपी की प्रॉब्लम भी होती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। बिकॉज आपके स्वेटिंग की वजह से आपको आपके इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं, आपके मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। बाद में स्किन की प्रॉब्लम भी आती है, जैसे कि लिप्स आपके ड्राई हो जाते हैं, स्किन आपका फटने लग जाता है, आपके स्वेटिंग ज्यादा होती है, आपको इस देर इज समथिंग कॉल्ड एज आपको फोटोडर्मेटाइटिस हो सकता है, सनबर्न हो सकते हैं आपको, पैचेस आपको शुरू हो सकते हैं, जो स्किन आपकी फटने लग जाती है 45 डिग्री प्लस जब जाता है। और दूसरी चीज, जैसे कि आपका जैसे 1 डिग्री अगर बढ़ता है टेम्परेचर, तो आपका जो हार्ट रेट है वो 10 टाइम, मतलब 10 और बढ़ जाएगा। तो हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर आता है जब ये चीजें होती हैं। और इसके अलावा आपको टैनिंग हो सकती है, पिगमेंटेशन आपका ज्यादा बढ़ सकता है, जो कॉस्मेटिक चीजें हैं वो भी आ जाती हैं, और सनबर्न होने के चांसेस हैं, क्रोनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस होने के, जो जिन लोगों को एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है या और स्किन डिजीज होती हैं, जैसे सोरियासिस होता है जिसमें मॉइस्चर की ज्यादा जरूरी होती है, एक्जिमा होता है, वो और ज्यादा प्रेसिपिटेट हो सकते हैं क्योंकि इस तरह। हार्ट की बात हो रही है मनन जी, मुझे मुझे वो खबर याद आ गई जो एक दिन पहले ही मैंने पढ़ी। मोहसिन जी, 17 साल का एक बच्चा जो कि जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, अचानक से उसकी मौत हो जाती है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। इतना कमजोर हो चुका है लोगों का हार्ट, अब इन दिनों इतने केसेस हार्ट अटैक के आ रहे हैं, ये गर्मी हार्ट अटैक के केसेस कितनी बढ़ा सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए। से दो चीजें तो यकीनी है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिहाइड्रेशन से लो ब्लड प्रेशर होना और पसीना आने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होना। इसके अलावा आजकल हम मना कर रहे हैं यंगस्टर्स को कोई भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, इवन जाड़े में भी ना करें। जाड़े में भी अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी पिछली बार कहा था, जब बहुत से सडन कार्डियक डेथ के मामले आए थे और कुछ उसमें मुद्दा उठाया गया था, उसके जवाब में डांडिया में जब डेथ हुई थी उसके जवाब में भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि कोई भी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो सड़क पे दौड़ना हो, चाहे वो ट्रेडमिल पे दौड़ना हो, बिल्कुल ना करें। अभी कोविड के बाद से हमारे दिलों की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि दो दो साल का आराम मिल गया है शरीर को, डीएक्लेमेटाइज हो गई है बॉडी। इसमें हम चाहे वैक्सीन को दोष दें चाहे कोविड को दोष दें, वो बात नहीं है। असल मुद्दा ये है, 2 साल तक एक कार अगर खड़ी रहेगी तो उसमें जंग लग जाएगा। बॉडी की आदत छूट गई है वर्जिश की, आप सडनली जिम में जाके स्ट्रेन कर रहे हैं, उसमें जिम में एसी कितना है, एसी अगर जिम में भीड़ है तो एसी का इफेक्ट कम हो जाएगा। फिर अगर आपको जिम में वेल हाइड्रेटेड आप नहीं है तो थकान हो जाएगी, उसमें भी आप दौड़ते रहेंगे तो आपके हार्ट पे स्ट्रेन पड़ेगा, हार्ट बीट पड़ के हार्ट फेल हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है, सडन डेथ हो सकती है। आपको जी बिल्कुल ये केस ठीक याद आया है,
गर्मी इसको कंपाउंड करती है। जो ठंडे मुल्क हैं उनमें लोगों की उम्र औसतन ज्यादा होती है उन मुल्कों से जो गर्म मुल्क हैं, क्योंकि हमारे शरीर को एक बोझ पड़ता है गर्मी को बर्दाश्त करने का, मसल्स को, ब्रेन को, और सबसे ज्यादा हमारा नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा नाजुक होते हैं, उन पे हीट का इफेक्ट बहुत खराब पड़ता है। और हमारा बदन हीट के लिए नहीं बना है, ठंडे टेम्परेचर के लिए बना है, और इसको अगर हम सडनली एक्सपोज कर देते हैं तो बॉडी का जो सेलुलर माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे वो मुतासिर होता है, जो एंजाइमेटिक प्रोसेसेस होती हैं वो मुतासिर होती हैं। इसलिए आपने सुना होगा लोग कहते हैं साहब गर्मी में पानी पिया जाता है, खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता, भूख नहीं लगती, क्योंकि शरीर के जो सारे सिस्टम का एक्लिमेटाइजेशन है वो हीट के हिसाब से हो जाता है। तो बॉडी की मास वाकई में जो इंटरनली चीजें उनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बाहर बाहर तो आप सारी चीजें कर लेते हैं लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा है शरीर के वो समझना और खुद को समझाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। समीर भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन भी है। समीर जी आपका बहुत स्वागत है। समीर जी बात चल रही है कि इंटरनली समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है उसको कैसे हमें बैलेंस रखना है। बाहर तो हम तमाम सनस्क्रीन लोशन चीज़ें यूज करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ कर लेते हैं कई बार बाहर निकलने के लिए, हम कई बार स्टॉल लगा लेते हैं, कई बार हम अपने आप को कवर करने के लिए ग्लव्स पहन लेते हैं, लेकिन हमें अंदर से अपने आप को कैसे फिट रखना है, क्या डाइट में हमें चीज़ों को शामिल करना है, क्योंकि आप एक बेहतर डाइटिशियन भी हैं तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सुबह की डाइट कितनी हेल्दी हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे ही मौसम के अंदर बदलाव आता है और इस समय तो हम देख भी रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा गर्मियां इस बार जैसे अभी अनुमान भी है कि काफी ज्यादा रहेंगी, मौसम बदलाव होने के बाद हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है उसमें भी बदलाव आता है, और ओवरऑल अगर हम समर में देखें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी काफी इफेक्ट होता है, काफी तरह की हमारी वाटर बॉर्न डिजीज और ये सब बढ़ जाती है, फूड पॉइजनिंग की केसेस भी खैर कई समर में ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, ये सब चीजें। तो इसमें सबसे ज्यादा तो जरूरी ये है कि एक ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको खाना नहीं खाना। दूसरा आपको जैसा हम बात कर ही रहे हैं कि डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, डिहाइड्रेशन के साथ साथ शरीर से नमक भी निकलता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का सेवन होना ठीक जरूरी है। एक तो लिक्विड की जब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड इनटेक आपको क्या क्या लेना है, तो उसमें कुछ हेल्दी ऑप्शंस आपको ध्यान में रखने हैं कि जैसे आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी आप ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, उसमें आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रोबायोटिक, जलजीरा आप पी सकते हैं, कुछ चीजें जो आपको नहीं लेनी है जो आपकी बॉडी को और डिहाइड्रेट करती है, जैसे बहुत अधिक कॉफी का सेवन आप ना करें, बियर, अल्कोहल, ये सब चीजें आप ना लें, बहुत ज्यादा कैंड वाली पैक्ड जूस जो होते हैं वो, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब आपको अवॉइड करनी, क्योंकि ये भी जिसमें प्रिजर्वेटिव भी है, एडिटिव्स हैं, तो ये बॉडी को और ज्यादा डिहाइड्रेट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए आप बाहर गन्ने का जूस पी रहे हैं, इस तरह का कुछ भी पी रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है साफ सफाई का ध्यान रखना, जो मैंने अभी वाटर बॉर्न डिजीज बताई है ये सब बताई है, तो इसके लिए आपको साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना। घर में भी जैसे लोग मैंगो शेक बना के काफी पीते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सर्दियों में ही वेट गेन होता है, गर्मियों के अंदर भी वेट गेन होता है, अगर आप मैंगो शेक पी रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा आप शुगर मिलाकर पी रहे हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं खानी आपको, इसके अलावा स्ट्रीट फूड को तो आपको अवॉइड करना है, सीजनल फ्रूट आपको खाने हैं, पर सीजनल भी बाहर जो कटे हुए होते हैं लोग कई बार की वो आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा कारण बनता है जो गर्मियों के अंदर हम देखते हैं पेट से संबंधित जो बीमारियां होती है वो। घर में आप कोशिश करिए कि सीजनल में जैसे तरबूज हो गया, खीरा हो गया, इन सब चीजों का आप पानी की मात्रा ज्यादा है उनका सेवन करना ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उससे डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, और कई बार लोग जो पानी नहीं पी पाते समय समय पर या भूल जाते हैं, ज्यादातर लोगों की शिकायत ही होती है कि हम भूल जाते हैं पानी पीना, तो उनको इस तरह की समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन सुनील जी सवाल ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें हम देखते हैं कि फफोले, रैशेस, घमौरी जैसी छोटे छोटे दाने ऐसे हो जाते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा ऐसे केसेस मिलते हैं, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? जो हीट से रैशेस या दाने हो रहे हैं तो उसके ऊपर आइस या एक कपड़े में आइस रख के वो लगाया जा सकता है। कुछ लोशंस होते हैं जैसे जिनमें इम्यूनेंट लोशंस होते हैं वो लोशन लगाए जा सकते हैं। SPF 15 से ऊपर की जो क्रीम्स हैं या फेस मास्क हैं वो लगा के जाया जा सकता है।
SP15 से ऊपर जिनकी हो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है धूप में जाने से पहले, ताकि जो स्किन के बर्ने या स्किन के रैशेज हैं वो ना हो। कुछ दवाएं हैं जो इनको हम एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं, अगर रैशेज हो जाए तो वो दवाइयां ली जा सकती। ठीक है मरन जी, गर्मियों के मौसम में सब खुश रहते हैं कि फलों का राजा आम आ गया है और आम खाना हर किसी को पसंद है। एट द सेम टाइम लोग बचते हैं क्योंकि एक ऐसा मिथ कह लीजिए या सच है मुझे नहीं पता कि आम खाने से पिंपल्स होने लगते हैं, इसलिए स्किन को कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं इस गर्मी में, और क्या ऐसा कुछ कनेक्शन है पिंपल्स और आम से रिलेटेड? बिल्कुल, देखिए स्किन को आप इस तरह के मौसम में आपको इस टाइप का डाइट खाना है जिसमें जो फाइबर में बहुत रिच हो, यानी कि रफेज ज्यादा हो, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया है, क्यूकम्बर्स हो गए हैं, बेरी भी आप ले सकते हैं, कीवी हो गया, कीवी भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, बहुत हाइड्रेटिंग होता है। ठीक है, तो वाटरमेलन के अंदर भी बहुत न्यूट्रिएंट्स होती हैं, और मैंगो का थोड़ा संबंध देखा जाता है एक्ने के साथ, बिकॉज मैंगो के अंदर काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है बॉडी में, तो मैंगो इज नॉट अ आइडियल फ्रूट फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर। मतलब इसके अलावा आप जैसे कोकोनट पानी भी अच्छा रहता है, आप नारियल पानी ले सकते हैं, और आप वाटरमेलन की जूसेस ले सकते हैं, आप कोकोनट जूसेस ले सकते हैं। अगर आपको आम खाना है, आम को आप मिल्क में डाल के मिल्क शेक बना के आप ले सकते हैं। मिल्क का सेवन भी मैं नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा करें, क्योंकि फिर थोड़ा एसिडिटी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। और जितने भी फ्रूट्स हैं आप उन सबके जूसेस पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाद हो गया है, क्यूकम्बर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं इस टाइप के मौसम के लिए, तो ये इस टाइप का फूड आपको, आइसक्रीम भी आप खा सकते हो, ज्यादा ज्यादा मतलब हाइड्रेटिंग टाइप ऑफ फूड आपको खाना है जिसमें ज्यादा फाइबर हो, ज्यादा रफेज हो, उस बिल्कुल। टाइप और का हीट खाना वेव खा सकते से हो। बचाव का एकमात्र यही तरीका है, और हमारे तमाम दर्शकों ने आप लोगों को सुना और आप एक्सपर्ट्स जिन्होंने बताए, इन्फॉर्मेशन दिए कि आखिर कैसे हमें, हम एक्सटर्नली तो खुद की केयरिंग कर लेते हैं लेकिन इंटरनली हमें कैसे खुद को बैलेंस रखना है डाइट वाइज भी, और जो तमाम चीज़ें हैं बाहर निकलने के टाइम उन्हें ध्यान में रखना है, ये वाकई में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो सावधानी एकमात्र विकल्प है, इसलिए इस गर्मी में सावधानी बरतिए और खुद को स्वस्थ रखिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना है।